आखिर कहां एक साथ नजर आएंगे मोदी, नीतीश और लालू? क्या मोदी और नीतीश के मंच पर लालू को मिलेगी जगह? राजनीति में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब विरोधी न सिर्फ एक मंच पर आते हैं बल्कि साथ में फोटो भी खिंचवाते हैं। लेकिन जल्द ही आपको एक ऐसा देखने को मिल सकता है जब पीएम मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव एक साथ एक मंच पर नजर आ सकते हैं। दरअसल 14 अक्टूबर को पटना यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। इस सम्मेलन में जहां पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे, वहीं समारोह में तकरीबन 5000 पूर्व और मौजूदा छात्र भी शामिल होंगे, जिनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव भी मौजूद होंगे। इसके अलावा इस समारोह में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, जेपी नड्डा, उपेंद्र कुशवाहा, अश्वनी चौबे, रविशंकर प्रसाद और हाल ही में मोदी सरकार के आर्थिक फैसलों पर सवाल उठाने वाले यशवंत सिन्हा को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के साथ लालू को मंच पर जगह मिलती है या नहीं, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। यूनिवर्सिटी के कुलपति रास बिहारी प्रसाद सिंह की माने तो मंच पर किसको जगह मिलेगी, इस पर फैसला पीएम दफ्तर करेगा। लेकिन इन नेताओं का जमघट कई मायनों में अहम होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूबे में महागठबंधन टूटने के बाद यह पहला मौका होगा जब नीतीश कुमार और लालू यादव किसी कार्यक्रम में एक साथ नजर आएंगे। लेकिन पूरा नजारा उस वक्त और दिलचस्प हो जाएगा जब नीतीश और लालू के साथ पीएम मोदी की भी मौजूदगी होगी। इसके अलावा सबकी नजरें पीएम मोदी और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा पर भी टिकी होंगी। इंडिया न्यूज़ वारल की रिपोर्ट।